कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तेल पड़ने वाला सस्ता, तेल सस्ता जहाज वाला, और गरीब की गाड़ी और मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल महंगा, सबकी जेब काटी जा रही है। सरकार बताए किसकी तिजोरी भरी जा रही है। और जो इस क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर में ओएनजीसी को मुनाफा जो हुआ वो 600 गुना मुनाफा हुआ, ओएनजीसी को 600 गुना मुनाफा हुआ है। तो आखिरकार ये मुनाफा जा कहां रहा है? गरीब की जेब से ये मुनाफा जा कहां रहा है? आप बताइए रुपए में कितना मुनाफा हुआ है? 600 गुना मुनाफा, डीजल पेट्रोल की कीमतों से 600 गुना मुनाफा। ये गरीब की सरकार नहीं है। हम नहीं, जो मैंने तो केवल यह बताया कि जिस समय नोएडा से लखनऊ तक, आगरा तक मुझे आना था, और उस समय वहां के प्रशासन ने पुलिस जगह जगह लगा दी थी। हम लोग साइकिल से थे, हम लोगों ने, मैंने खुद अपने कंधे पर साइकिल रखी और एक्सप्रेस वे में चला दी साइकिल। भाई मैं कह रहा हूं कि नोएडा से आगरा चली थी साइकिल, उसके बाद समाजवादी सरकार बनी थी। अब कार्यकर्ता अपना समझ जाएगा क्या करना उसको। आप लोग जो समझ में आए वो चला देना। तुम्हारे गांव के बगल से एक्सप्रेस वे निकलता है कि नहीं निकलता है? कितना दूर है तुम्हारे गांव से? तो नहर पे चढ़ो और सीधे एक्सप्रेस वे चले जाना। नहर पे भी सड़क हमारी बनाई हुई है। नहीं, हम दोबारा दिखा सकते हैं वो जो पहले हो चुका है। सोचिए आप कितने 5 साल पीछे चल रहे हैं हमसे। जो काम समाजवादी लोग 5 साल पहले कर चुके हैं वो काम आज कर रहे हैं ये लोग। 5 साल पहले समाजवादी सरकार में ही हवाई जहाज सड़कों पर उतारने का फैसला लिया गया था, और आप 5 साल बाद ही वही काम जो समाजवादी करके छोड़ चुके हैं। अब रुक करते हैं खबरों का। जनजाति गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। पीएम ने